आर्यन विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी. लेट मी स्टार्ट विथ टुडे सेशन. आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि है ट्रेड निगोसिएशंस पर. ये चैप्टर या ये जो यूनिट है, ये इतना इजी यूनिट है. सारे यूनिट्स में से सबसे आसान यूनिट ये है. व्हाई? बिकॉज देखो, इसमें ना बहुत झंझट नहीं है. झंझट नहीं है का मतलब क्या कि इसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी. बाकी सारा जो भी है वो डेटा है. समटाइम्स यू विल गेट द लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसका कोई एज सच कोई MCQ बनने का चांस नहीं होता एग्जाम में. तो लिमिटेड चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी. इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपको एज सच आएगा नहीं. एज सच नहीं आता है, एक हाथ दूसरा मुश्किल से आता है, वो भी बहुत बेसिक लेवल का. अदरवाइज कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. इसलिए चैप्टर सबसे आसान है फॉर अमंग दीज 5 यूनिट्स ऑफ दिस चैप्टर. तो ये वाला जो यूनिट है आप बिल्कुल छोड़ के मत जाना. इस लेक्चर में मैं जितना बताऊंगी वो पूरा रिलेवेंट सिर्फ बताऊंगी. पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होगा जो भी होगा वो. तो एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग ये चैप्टर पूरा पढ़ने वाले हैं. ट्रेड निगोसिएशंस, नाम में ही सब कुछ है. ट्रेड निगोसिएशन या इंटरनेशनल ट्रेड इज नथिंग बट वर्ड कि एक्चुअल में पुराने जमाने में जो ट्रेडिंग होता था तो पहले सिर्फ विद इन कंट्री होता था. फिर उसके बाद हम क्रॉस बॉर्डर जाने लगे. फिर थोड़ा सा हमें लिबरलाइजेशन लाना पड़ा इन इंटरनेशनल ट्रेड. फिर उसके बाद आज हम लोग काफ़ी हद तक फ्री ट्रेड करते हैं. कई जगह पे ऐसा है कि हम लोग को काफ़ी सारा टैरिफ देना पड़ता है. कई जगह पे हम लोग को फ्री होता है सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करना इम्पोर्ट करना. तो ये बहुत सारा जो चेंजेस आते गए, ये जितने भी चेंजेस आते गए उनमें से उस प्रोसेस का थोड़ा बहुत कुछ पार्ट उन्होंने बताया हुआ है. ज़्यादा डिटेल में अगेन नहीं है, बस थोड़ा बहुत कुछ पार्ट है. तो जो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें आपको समझना है कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, मतलब जैसे बैंकिंग सिस्टम को गवर्न करता है RBI या पूरे स्टॉक मार्केट को गवर्न करता है SEBI, तो किस तरीके से ये जो इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथ चले इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान रखने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हुए या उन्होंने जो अग्रीमेंट्स लाए वो कैसे लाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिर्फ उसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है. तो इस पे जो MCQs बन सकते हैं उसमें सबसे पहले तो ये वाला एक MCQ देख लेना. दैट 2020 में जो इन द ईयर 2020 जो ब्रिटेन कंट्रीज थे, तो ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन जो भी यूनियंस थे उसमें से. तो यूरोपियन यूनियन पहले क्या होता था, यूरोप कंट्रीज जो थी वो सारे साथ में आके अपना एक यूनियन फॉर्म करती थी. एशियन कंट्रीज अपना यूनियन फॉर्म करती थी. फिर एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे और झगड़ा चलता रहता था, ऐसा बहुत कुछ होता था. तो 2020 में ब्रिटेन बाहर आ गया फ्रॉम यूनियन, यूरोपियन यूनियन. एंड द न्यू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो कि एक सक्सेसर है, विच इज अ सक्सेसर ऑफ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, दैट इज NAFTA, कंक्लूडेड बिटवीन कैनेडा, मेक्सिको, US एंड US के मेनली, मतलब इसको पूरा मिला के उनको और एक नाम दिया गया USMCA. तो ये भी एक नाम दिया गया. तो ये NAFTA या जो भी ये एग्रीमेंट था USMCA का, ये सारा एग्रीमेंट बनाया गया. अब ध्यान से समझना, ये आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इतना लेवल तक कि इंस्टीट्यूट आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है हर एक चीज़ का, बट आई डोंट नो, बट समहाउ मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि इसमें फुल फॉर्म भी आपको ऑर्गेनाइजेशंस के फुल फॉर्म जो भी है, एग्रीमेंट्स के जो फुल फॉर्म्स है, जैसे NAFTA का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एग्जाम में. ऐसा पूछना तो नहीं चाहिए, बट स्टिल यू हैव टू प्रिपेयर इन दैट वे ऑल्सो कि सारे जो फुल फॉर्म्स है वो सारे एक जगह पे इकट्ठे आपके पास लिखे हुए होने चाहिए. नहीं होंगे तो मैं भेज दूंगी, चिंता मत करना. तो एक तो वो चीज़ याद रखो. दूसरी बात जो इसमें होगा, अगर आप लोगों ने किया तो ज़्यादा बेटर होगा फॉर मी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एग्जाम देना है तो अगर आप खुद एक बार लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा. दूसरी बात, जैसे 10th चैप्टर में आप लोगों ने किया था फुल फॉर्म सारे एक जगह पे लिखवा के लिए थे, वो ड्यूरिंग द लेक्चर्स ही लिखवा के लिए थे. तो एक काम करते हैं, आप अभी लेक्चर्स में ही साथ साथ में मेरे साथ साथ लिख देना. क्या लिखोगे? पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख देना NAFTA का, ये एग्जाम में आ सकता है. USMCA का मतलब क्या है, कौन से 4 कंट्रीज है? एक तो है आपका कैनेडा, दूसरा है मेक्सिको, तीसरा है US. 3 ही कंट्रीज है, कैनेडा, मेक्सिको एंड US. तो ये 3 कंट्रीज का एक USMCA करके एक अग्रीमेंट बना था, तो वो एक लिख देना. तो ये MCQ में बन सकता है. उसके बाद बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन बढ़ा के दिया कि कैसे हम लोगों ने ग्रो किया या वॉट एवर. कि जैसे नेशनल गवर्नमेंट्स जो है वो सोल स्टेक होल्डर्स नहीं थे, फिर धीरे धीरे कैसे सब लोगों को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटरी बॉडीज आते गए. तो ये कोई काम का एज सच है नहीं, आप पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो. मैं डायरेक्टली मेन पॉइंट पे चलूंगी जो कि होगा रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स, दैट इज RTAs. जो हाईलाइट किया हुआ है वही इंपॉर्टेंट है.
तो जो हाईलाइट नहीं किया है वो एक बार बस गो थ्रू करना है, आप लोग को करना है, आप कर सकते हो। रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स एज डिफाइंड एज, ये एग्जाम में आ सकता है फॉर एमसीक्यू, व्हाट इज आरटीए। आरटीए इज डिफाइंड एज द ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज, कुछ कंट्रीज साथ में आकर एक ग्रुप करेंगे, नॉट नेसेसरीली बिलोंगिंग टू द सेम ज्योग्राफिकल रिलीजन रीजन। मतलब क्या, यूरोपियन कंट्रीज में से कुछ एक आध कंट्री आएगी, एक आध एशियन कंट्री में से कुछ कंट्रीज आएंगे और साथ में आके ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो जरूरी नहीं कि आप यूरोपियन रीजन के हो तो आप सिर्फ वही उसी का पार्ट बन सकते हो, नहीं, आप इधर का भी पार्ट बन सकते हो, उधर का, कहीं के भी पार्ट बन सकते हो, बस कुछ कंट्रीज साथ में आएंगे एंड एक ग्रुप फॉर्म करेंगे। और वो क्या किस पर्पज से फॉर्म करेंगे, उनका ऑब्जेक्टिव होगा रिड्यूसिंग द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। जो भी उस ग्रुप का हिस्सा होंगे उन कंट्रीज में जो भी ट्रेड बैरियर्स होंगे, या तो शायद ऐसा हो सकता है कि क्वांटिटी कोटा जिसको बोला जाता है, वो कितना इनपुट आउट मतलब कितना आए और कंट्री से बाहर जाए उस पर रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, परसेंटेज टैरिफ का होगा उस पर रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, कौन से टाइप ऑफ गुड्स इंडिया मतलब कोई भी कंट्री में आएंगे जाएंगे उस पर रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, किसी कंट्री के साथ आपको बिजनेस ही नहीं करना उस पर रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। तो ऐसे कई तरीके के रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं जब आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। तो ये जो ट्रेड होगा क्रॉस बॉर्डर, उसको सही तरीके से स्मूदिंग करने के लिए या फिर उसके बीच में जो भी बैरियर्स है उसको हटाने के लिए आया था ये आरटीए, दैट इज रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स। ये जो रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स था, यहाँ पे जो भी कंट्रीज थी इन कंट्रीज ने कुछ रूल्स बनाए और उन्होंने साइन कर दिया कि हम लोग ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे, जो कि किया था 1 February 2021 को किया था एंड 339 अग्रीमेंट्स उस दिन साइन हुए थे। वैसे तो बहुत सारे हुए थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आज भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो 1 February की अगर बात करें 2021 की, तो 339 आरटीए साइन हुए थे एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। अब ये जो अग्रीमेंट साइन हुए थे उनको उसके कुछ टाइप उन्होंने दिए हुए हैं और हर एक टाइप का मतलब है कुछ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ आते हैं, अदरवाइज कोई कॉन्सेप्ट एसेज नहीं आएगा। चलो सबसे पहला कौन सा अग्रीमेंट है, यूनियन ट्रेड अग्रीमेंट, ये जो भी लिखा है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी पीडीएफ, टेंशन नहीं लेना। तो सबसे पहले क्या है, यूनिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, मतलब क्या होता है, मतलब लिखा हुआ है अंडर विच द इम्पोर्टिंग कंट्री ऑफर्स ट्रेड इंसेंटिव्स इन ऑर्डर टू एनकरेज द एक्सपोर्टिंग कंट्री। मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है, एक तरफ होता है इम्पोर्टिंग कंट्री, ठीक है, और एक तरफ होता है एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो इम्पोर्टिंग कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री दोनों एक दूसरे को एनकरेज करते हैं किस बात के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर डेवलप्ड कंट्री है आप, अगर आप कोई डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्टिंग कंट्री एनकरेज कर रही है एक्सपोर्टिंग कंट्री को कि देखो आप डेवलपिंग हो हमें पता है, लेकिन हम या अंडर डेवलप्ड हो हमें पता है, तो हम आपको ज्यादा टैरिफ चार्ज नहीं करेंगे, आप हमारे कंट्री में गुड्स भेजो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपको जिससे आपका भी भला होगा और हमारा भी, मतलब आप भी आपका एक्सपोर्ट करो और हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए डेवलपिंग जो होते हैं ना, डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप कंट्रीज जो एक्सपोर्ट करना चाहती है लेकिन बेचारों को स्कोप नहीं मिलता, तो उन कंट्रीज को हेल्प करने के लिए इंपोर्टिंग कंट्री एनकरेज करेगी। लेकिन जब अगर इंपोर्टिंग कंट्री एक्सपोर्ट करेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो कि कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जैसे बहुत गया हुआ युगांडा, ठीक है, अंडर डेवलप्ड एकदम युगांडा जैसी कंट्री में अगर अगर युगांडा को एक्सपोर्ट करना है यूएसए को, तो युगांडा मतलब अंडर डेवलप्ड टाइप्स और यूएसए मतलब डेवलप्ड टाइप्स, तो यूएसए क्या बोल रहा है युगांडा को कि जब आप हमें एक्सपोर्ट करोगे हम आपको कम टैरिफ चार्ज करेंगे। लेकिन अगर यूएसए ने कुछ एक्सपोर्ट किया युगांडा को, तो वो जितना भी नॉर्मल टैरिफ उनका होगा उतना ही चार्ज करेंगे। तो यूएसए बिकॉज डेवलप्ड है तो तुम उतना पे कर सकते हो टैक्स, लेकिन बिचारी बिकॉज अंडर डेवलप कंट्री है वो नहीं पे कर सकती, इसलिए उनको एनकरेज करने के लिए जो डेवलप कंट्रीज होगी, जो इंपोर्टिंग कंट्रीज होगी, वो कम टैरिफ चार्ज करेगी। वो था यूनिलैटरल। एंड दूसरा आता है बायलैटरल। बायलैटरल में दोनों एक दूसरे को कम टैरिफ चार्ज करेंगे, सिंपल सा फंडा। तो टू कंट्रीज होंगी बायलैटरल में, क्या होगा, टू कंट्रीज होगी वो एक कुछ सेट ऑफ रूल्स डिसाइड कर देंगी और वो जो भी ट्रेड होगा वो बिटवीन टू ब्लॉक होगा, टू ब्लॉक है ब्लॉक ऑफ द कंट्रीज में होगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब वो डिसाइडेड रहेंगे कि भाई इतने इतना परसेंटेज ट्रेडिट चार्ज होगा या इतने टाइप्स ऑफ गुड्स आएंगे, ये पूरा उनका डिसाइडेड होगा, उसी रूल्स को फॉलो किया जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं साउथ अफ्रीका फ्री ट्रेड एंड एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया। अब इसमें और एक रट्टा क्या मानना पड़ेगा आप लोगों को कि ये जो अग्रीमेंट्स है कौन से टाइप ऑफ अग्रीमेंट के अंडर आए थे, वो ऐसा एग्जाम में पूछ सकते हैं साउथ अफ्रीका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ अग्रीमेंट, आरटी अग्रीमेंट, तो आपको पता होना चाहिए बायलैटरल का एग्जाम्पल था। तो इस तरीके से एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। जनरलाइज सिस्टम ऑफ रेफरेंस कहा था, तो ये आपको पता होना चाहिए यूनिलैटरल में था। तो ऐसे एग्जाम्पल्स
प्लीज थोड़ा सा फोकस करके चलना। उसके बाद अगला, एशियन फ्री ट्रेड में जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज आती है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर या एक्सेट्रा ऐसे, तो एशियन का फुल फॉर्म है एशियन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, एक्सेट्रा ऐसी कंट्रीज आती है। तो ये एग्जाम्पल्स कुछ ध्यान में रखना। उसके बाद रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब क्या है कि जो भी ग्रुप फॉर्म करेंगे, इसमें जो ग्रुप फॉर्म किया हुआ जो भी कंट्रीज रहेंगे, हम उनको प्रेफरेंस देंगे ओवर दी अदर्स आउटसाइड कंट्रीज। ठीक है, बाहर की कंट्रीज जो ग्रुप का हिस्सा नहीं है, हम उनकी बजाय जो ग्रुप का हिस्सा है हम उनको प्रेफरेंस देंगे। सो बेसिकली सपोज मान लो आपके दोस्तों का ग्रुप है, ऑब्वियसली बात है ना, आप आउटसाइडर को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दोगे, आपके ग्रुप को ज्यादा दोगे, इट्स लाइक दैट ओनली। तो उसको बोला जाता है रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज आएंगी जो रिड्यूस करेंगे ट्रेड बैरियर्स को एंड ऑन द रेसिप्रोकल बेसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंशियल बेसिस, जहाँ पे सिर्फ मेंबर ग्रुप कंट्रीज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक। देखो ये कुछ अग्रीमेंट सेम तरीके की होते हैं, बस नाम अलग अलग आ जाते हैं, अब तुमको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रियलाइज होना स्टार्ट होगा। अगला आता है ट्रेडिंग ब्लॉक, मतलब क्या, हैज द ग्रुप ऑफ कंट्रीज, अगेन यहाँ पे भी ग्रुप है, जिसमें वी हैव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्फ एंड मे अप्लाई द कॉमन एक्सटर्नल टेरिफ टू अदर कंट्रीज। मतलब क्या, हम लोग हमारी जो भी ब्लॉक ऑफ कंट्रीज या ग्रुप ऑफ कंट्रीज है उनमें फ्री ट्रेड रखेंगे, लेकिन बाहर वालों को हम लोग बैरियर्स मतलब एक्स्ट्रा टेरिफ चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ कंट्री होगा, ये जो ग्रुप ऑफ कंट्री होगा, उन ग्रुप ऑफ कंट्री में हर एक जन एक दूसरे को सेम ट्रीट करेगा। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए है, ठीक है, यूएसए के साथ सपोज मान लो यूएसए, कनाडा, सिंगापुर और मलेशिया, ओके, यूएसए ये चार लोगों का ही ग्रुप है, ओके, तो ये जो चार लोगों का ग्रुप है उसमें यूएसए जिस तरीके से मलेशिया को ट्रीट करेगा वैसा ही कॉपी पेस्ट वो कनाडा को ट्रीट करेगा। मतलब कोई गुड्स होगा उस पर जितना टैरिफ इसके लिए होगा उतना ही इसके लिए होगा, ओके, और बाहर वालों के लिए तो इन लोगों से ज्यादा ही होगा। इस तरीके से मतलब जो ग्रुप कंट्रीज होंगी उनमें जो भी ग्रुप में जो भी कंट्रीज आएंगी उन सबको सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये बोलने की वजह क्या है, अगला वाला पॉइंट है ये बोलने की वजह, दैट इज फ्री ट्रेड एरिया। क्योंकि फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जहां पर बहुत एक्सक्लूसिवली एक्सेसिवली गुड रिलेशन मेंटेन करने होते हैं ना, तब ये होता है। मतलब क्या, फ्री ट्रेड एरिया इज ग्रुप ऑफ कंट्री दैट एलिमिनेट्स ऑल द टैरिफ, टैक्स नहीं लगाएंगे, कोटाज नहीं रहेगा, मतलब क्वांटिटी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, ऑन द ट्रेड विद द ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग देम। तो एक्सेसिवली अमेजिंग रिलेशन जिन कंट्रीज के साथ रखना है उनके लिए, द ट्रेड अमंग द मेंबर्स स्टेट्स फ्लो टैरिफ फ्री बट द मेंबर स्टेट मेंटेन देयर ओन डिस्टिंक्ट एक्सटर्नल टैरिफ विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो ग्रुप कंट्रीज भले ही हो लेकिन उसमें भी आप इंडिपेंडेंटली चार्ज करोगे। मतलब क्या, देखो दो चीजें, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है। दोनों में पहली बात ग्रुप कंट्रीज होगी, ओके, ग्रुप कंट्रीज में थोड़ा सा मतलब रिलेशंस अच्छे मेंटेन करने के लिए हमें चीजें करनी पड़ेगी। जब मैं बात करूंगी ट्रेडिंग ब्लॉक की, तो ट्रेडिंग ब्लॉक में ग्रुप कंट्रीज में एक दूसरे को सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लेकिन फ्री ट्रेड एरिया में जो ग्रुप कंट्रीज होंगी उसमें भी अगर सपोज मैंने जैसे इधर एग्जांपल दिया यूएसए ने मलेशिया को जैसे ट्रीट किया वैसे कनाडा को करना पड़ेगा, वैसे इधर यूएसए ने मलेशिया को सपोज मान लो 10% का टैरिफ चार्ज किया है तो वो चाहे तो 8% का कनाडा को चार्ज कर सकता है। सो अमंग द ग्रुप ऑल्सो दे मे ट्राई कि वहां पे वो इंडिपेंडेंटली काम करे, भले ही वो बाहर के कंट्रीज से ग्रुप कंट्रीज को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, उनसे ज्यादा सस्ता होगा, उनसे कम बैरियर्स होंगे, लेकिन उसमें भी आप चाहो वैसे इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। फ्री ट्रेड में कंप्लीट फ्री मतलब पूरा फ्री रखा जाएगा, टैरिफ भी समटाइम्स कोटाज भी, तो ये बहुत कुछ चीजें यहाँ पे फ्री होंगी, यहाँ पे थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शन आ सकते हैं। इस तरीके से ये दोनों चीजें चलेंगी। तो ये जो लाइन है ना कि मेंबर स्टेट द मेंटेन देयर ओन डिस्टिंक्ट एक्सटर्नल टैरिफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो हमको अलग ही चार्ज किया जाएगा लेकिन हमें भी एक दूसरे के साथ अलग चार्ज किया जाएगा व्हेन इट कम्स टू फ्री ट्रेड एरिया। इसलिए लिखा है ग्रुप कंट्रीज बट दे विल मेंटेन दे विल ट्रीट इन इंडिपेंडेंट वे। इन अदर वर्ड्स द रिमेनिंग द मेंबर्स रिटेन द इंडिपेंडेंस, डिटरमाइन देयर टैरिफ्स,
विद द नॉन मेंबर्स, मतलब कि जो भी मेंबर्स नहीं है उनसे तो कम ही टैरिफ चार्ज किया जाएगा. एग्जाम्पल दिया हुआ है, एशियन एग्जाम्पल है. उसके बाद इट और ये वाला एक एग्जाम्पल है AIFTA, दैट इज इंडिया फ्री ट्रेड एरिया. और ये कब आए थे दोनों भी, इट केम इन टू फोर्स फ्रॉम ऑन 1st of August 2005. ये एग्जाम में आ सकता है, ये MCQ के लिए स्टामक करके रखना. उसके बाद बात करते हैं 6th पॉइंट पे, जो कि है कस्टम यूनियन. कस्टम यूनियन यूजुअली टॉक्स अबाउट एलिमिनेटिंग ऑल द टेरिफ ऑन द ट्रेड अमंग द कंट्रीज और अमंग देमसेल्फ, बट मेंटेन द एक्सटर्नल टेरिफ और द ट्रेड विद इन द कंट्रीज आउटसाइड द यूनियन. मतलब यूनियन में होंगे तो टेरिफ चार्ज नहीं होगा, बाहर चार्ज होगा. ये सिमिलर पॉइंट पे था तो मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही. एग्जाम्पल, द यूरोपियन यूनियन इज द कस्टम यूनियन, जहाँ पे 27 कंट्रीज है और वो 27 कंट्रीज एक दूसरे को चार्ज नहीं करते टेरिफ, लेकिन बाहर वालों को करेंगे. इट इज लाइक दैट. और एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, यूजुअली गल्फ कंट्रीज में ऑयल को लेकर जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है तब चार्ज नहीं किया जाता टैरिफ. तो लेकिन वही अगर इंडिया में आएगा तो गल्फ कंट्रीज से तो बहुत चार्ज किया जाएगा टैरिफ. तो इस तरीके से चीजें चलती है. या साउदर्न कॉमन मार्केट. उसके बाद कॉमन मार्केट का मतलब है इसमें क्या होगा, हम लोग अभी तक जितनी भी बात कर रहे थे वो सारे फिनिश गुड्स की बात कर रहे थे या आउटपुट की बात कर रहे हैं. हम यहाँ पे बात करेंगे ये इकलौते मार्केट में जहाँ पर हम लोग सिर्फ आउटपुट की नहीं, हम लोग इनपुट भी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर भी बैरियर्स नहीं लगाएंगे. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो ये जो हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, उसका जो भी टैरिफ होगा उसको हटाएंगे अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा हो तो. तो इसका अगेन एग्जाम्पल सेम है, जो भी नॉन मेंबर्स होंगे उनके लिए नहीं चाहिए, मतलब उनके लिए तो टैरिफ होगा लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए नहीं होगा. एंड लास्ट इज इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन. ये थोड़ा बहुत ही एक्सट्रीम अच्छे लेवल, मतलब बहुत ही ऊपर के लेवल का कॉन्सेप्ट है, जहां पे अगर आपकी कंट्री की और मेरी कंट्री की करेंसी सेम होगी, जैसे इंडियन रुपीज है, तो इंडियन रुपीज इज अभी तो फिर भी बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी जी काफ़ी हद तक वो इंडियन रुपीज जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है हर जगह पे. हर जगह पे आपको उस कंट्री की करेंसी लेके जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ मोदी जी. बट ऐसा हर जगह पे नहीं हो सकता, करेक्ट है. तो जैसे US डॉलर है तो वो मैक्सिमम कंट्रीज में चलता है, ठीक है. तो वो US डॉलर इज समथिंग की जो मैक्सिमम कंट्रीज में चलता है, तो जिन कंट्रीज में कॉमन करेंसी होगी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी. तो इसलिए बोला जाता है मॉनिटरी यूनियन. तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप जहां पे मॉनिटरी टर्म्स में यूनियन होगा. मतलब क्या, मेंबर्स हु शेयर द कॉमन करेंसी उनका एक ग्रुप डिसाइड होगा और वो कॉमन करेंसी वाले जो भी लोग होंगे वो लोग अपने हिसाब से सिंगल करेंसी के बेसिस पे एक दूसरे को टैरिफ चार्ज करेंगे या फ्री ट्रेड रखेंगे और वॉट एवर फ्री ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रखेंगे, ये उन पे डिपेंड करता है. तो इस तरीके से चीजें चलेंगे मॉनिटरी यूनियन में, ये याद रखना. तो इस तरीके के 8 टाइप के अग्रीमेंट थे, 8 के 8 कॉन्सेप्चुअली थोड़े थोड़े से याद रखना, इनके एग्जाम्पल्स याद रखना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट, और कब आए वो भी इंपॉर्टेंट. उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद ये क्या था, RTA था. ये RTA इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा था तो इसीलिए आया था GATT. GATT यानी कि जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. तो ये जो GATT आया था ये अगेन इंटरनेशनल ट्रेड को सही करने के लिए आया था, बट इसके इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स को प्रायोरिटी दी गई थी, ट्रेड इन गुड्स, ना कि सर्विसेज और ना ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, GATT सिर्फ और सिर्फ फोकस करता था गुड्स पे, सर्विसेज पे एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे GATT ने कभी फोकस नहीं किया. तो इसमें क्या हुआ होता था, GATT में क्या हुआ, GATT आया, जो भी ट्रेड होता था गुड्स पे उसमें फोकस किया जाता था, बट अगेन बिकॉज ये सिर्फ गुड्स पर फोकस करता था तो इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, भाव नहीं दिया. तो इसलिए GATT लॉस्ट इट्स रिलेवेंस ऑन इन 1980s. व्हाई, बिकॉज ऑफ ऑल दीस पॉइंट्स, जहाँ पे हम लोग फास्ट इवॉल्विंग है, उतने फास्ट इवॉल्विंग GATT कुछ कर नहीं रहा था. दूसरा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट सब्सटेंशियली बढ़ रहा था. तीसरा, सर्विसेज और IP को भाव ही नहीं दिया गया कभी, किसमें, GATT में. उसके अलावा ट्रेड इंक्रीज हो रहे थे, उसके अलावा एम्बिग्यूटी थी जो भी मल्टीलैटरल सिस्टम्स है. मल्टीलैटरल सिस्टम्स मतलब क्या, कि बहुत सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का, उस पर कोई भाव ही नहीं, कोई बात ही नहीं हो रही. लिबरलाइजेशन इन एग्रीकल्चर ट्रेड वॉज नॉट सक्सेसफुल. सारे इसमें आपको एक पॉइंट जरूर दिखेगा कि सारी चीज़ें एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में फेल ही हो रही है, ठीक है. जैसे GATT भी अभी फेल हुआ, आगे जाके वापस आएगा कि एग्रीकल्चर को भाव नहीं दिया गया, आगे जाके आएगा वापस. तो ये एग्रीकल्चर को इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं था, ये भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल.
एंड उसके अलावा एडिक्वेसी नहीं थे, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चरल होनी चाहिए, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आती वो नहीं था, या फिर गैट जो था वो बाइंडिंग था, मतलब नेशनल डोमेस्टिक रूल्स जो थे वो, और जो गैट के रूल्स है वो साथ में कोहरेंट नहीं करते थे, ये मतलब क्या कोहरेंट इनकोहरेंट नहीं है या इनकॉम्प्रेसिव है, मतलब इनकॉम्प्रेंसिव है, मतलब कि एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं चलते थे, ये कुछ और बोल रहा है वो भलताज कुछ और बोल रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम्स थी इनमें, ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से उसने अपना रिलेवेंस खो दिया। तो इस इन सारे प्रॉब्लम्स में सिर्फ दो प्रॉब्लम बहुत रिलेवेंट है, एक तो सिर्फ गुड्स पे फोकस किया, सर्विस और आईपी पे नहीं किया, और दूसरा एग्रीकल्चर को इग्नोर मारा, बाकी सारा कॉमन सेंस है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है एज सच। हाँ ये जरूर याद रखना कि ऐसा आ सकता है गैट लॉस्ट इट्स रिलेवेंस बिकॉज ए बी सी डी, और डी में भी ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, बल्कि कुछ ऐसा अजीब सा आंसर हो सकता है, तो इसके लिए बस ध्यान में रखना, अदरवाइज बाकी तो ठीक है। अब ये गैट सारे कांड होने की वजह से, इस गैट में सारे कांड होने की वजह से उसके बाद हुआ है उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड मतलब क्या होता है, एक्चुअली जिस भी कंट्री में वो मीटिंग होती थी वो कंट्री का नाम उसे देते थे, ठीक है, जैसे उरुग्वे में मीटिंग हुई थी तो इसलिए उरुग्वे राउंड इसे बोला जाता है। तो उरुग्वे राउंड मतलब क्या कि गैट बहुत सारी चीजों को नहीं कवर कर रहा था, ठीक है, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ रहे थे, तो इसीलिए काफी सारी कंट्रीज ने साथ में आकर डिसाइड किया कि हम लोग नई ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करेंगे। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने की बात हो रही थी जिसमें एरियाज काफी सारे कवर करने थे, टेक्सटाइल एग्रीकल्चर सेफगार्ड, मैं इतना ज्यादा उस पर ये नहीं करूंगी, फोकस नहीं करूंगी, बट ये बहुत सारे एरियाज थे जिन पर फोकस करना था, और इसीलिए इन सब पे बात करने के लिए मीटिंग्स हुआ करते थे, ठीक है, राउंड एंड राउंड बहुत सारी मीटिंग्स हुई। तो द राउंड स्टार्टेड, द राउंड, ये पूरा पैराग्राफ बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एमसीक्यू बन सकता है इस पैराग्राफ में से। द राउंड स्टार्टेड इन पुंटा डेल इस्टे इन उरुग्वे इन सितंबर 1986 में स्टार्ट हुआ एंड वॉज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड बाई डिसंबर 1990। 4 साल का टाइम दिया था कि भाई देखो 4 साल मतलब एक ही जगह पे 4 साल लोग बैठे ऐसा इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी मीटिंग्स हुई वो सारी की सारी उरुग्वे में ही हुई थी, और ये डिसाइड किया गया था कि भाई दिसंबर 1990 तक ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबका हम हल ढूंढ लेंगे सारे मीटिंग्स करके। हाउएवर ड्यू टू मेनी डिफरेंसेस एंड एस्पेशली ड्यू टू हीटेड कॉन्ट्रोवर्सीज ओवर एग्रीकल्चर and no consensus was arrived, no consensus, I hope so you understand, meeting up of minds, ये Indian Contract Act covered है, तो ये जो दोनों mind meeting नहीं हो रहा था किसी का भी एक दूसरे के साथ, but finally December 1993 में, तो start कब हुआ रहे, start हुआ 1986 में, फिर डिसाइड हुआ था कि भाई बट दिसंबर 1990 तक खत्म करो, बट फिर भी नहीं हुआ, तो दिसंबर 1993 को फाइनली ये सारा राउंड खत्म हुआ, और जो इस वक्त दिसंबर 1993 में जो राउंड हुआ था वो 8th राउंड था, ठीक है, वो हर एक मीटिंग वाइज 8वीं मीटिंग होगी वो, तो 8th राउंड वाली मीटिंग थी एंड मोस्ट एम्बिशियस एंड एम्बिशियस एंड लार्जेस्ट एवर राउंड ऑफ द मल्टीलैटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन विच 123 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया, 123 कंट्री ने पार्टिसिपेशन किया एंड वॉज कंप्लीटेड आफ्टर द 7 ईयर्स ऑफ एलेबरेटेड निगोसिएशंस। ऑलमोस्ट 7 साल लगे उनको पहुंचने के लिए इस हद तक, एंड देन फाइनली जो भी 15 अप्रैल 1994 को उन्होंने एक ट्रिटी साइन किया, एंड वो जो भी ट्रिटी साइन किया मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने अग्रीमेंट साइन किया, जो कि आया एनफोर्स कब हुआ, 1 जुलाई 1995 को हुआ, जिसकी वजह से आया था WTO। आई होप सो यू अंडरस्टूड द एंटायर हिस्ट्री कि गैट की जगह पे जो WTO आया उस पूरे प्रोसेस में उरुग्वे राउंड का क्या इंपॉर्टेंस था, एमसीक्यू के लिए हाईली इंपॉर्टेंट, इस पे एमसीक्यू बन सकता है, ये जो भी मैंने साइड पे लिखा है ये आप लोग लिखोगे खुद साथ में, अभी हाथ से वीडियो को पॉज करके लिख देना फिर आगे बढ़ना, क्योंकि ये मैं आपको अगेन वो PDF में नहीं देने वाली, ये याद रखो, ठीक है। उसके बाद आगे WTO इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि डील कर रही थी अक्रॉस द बॉर्डर्स सारे ट्रेड को लेकर। तो ये जो ऑब्जेक्टिव जो था WTO का वो क्या था कि उनको क्या करना था, पहले सेट ऑफ रूल्स कर बनाते थे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। अगेन मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक हाईलाइटेड पार्ट, एक जस्ट अंडरलाइन, अंडरलाइन वाला जस्ट रीड, हाईलाइट वाला याद, ओके।
तो जो छह ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें से पहला ऑब्जेक्टिव था सेट एंड एनफोर्स द रूल्स फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरा था फोरम निगोसिएशन करना है, मॉनिटर करना है, ट्रेड लिबरलाइजेशन करना है, उसके बाद ट्रेड डिस्प्यूट जो भी झगड़े चलते हैं ट्रेड को लेकर कि ये कंट्री जैसे इंडिया पाकिस्तान ट्रेड हमेशा डिस्प्यूट में रहता है, तो वो जो भी चीज़ें चलती है हम लोग तो वैसे ही ट्रेड नहीं करते पाकिस्तान के साथ, बट हाँ तो ये जो भी निगोसिएशन या जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो उस पर बात होगी, इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद कॉपरेशन बढ़ाओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एंड ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम एक लेकर आओ। तो ये छह ऑब्जेक्टिव थे, एक बार छह के छह एक बार रीड कर लेना। तो ये जो छह ऑब्जेक्टिव्स थे इसमें ये ध्यान रखा गया कि हम लोगों को क्या करना है एज अ WTO सारे कंट्रीज का स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट करना है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का डेवलपमेंट करना है बिकॉज बाय प्रोवाइडिंग ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या कि सपोज मान लो अगर ऐसा होता कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बात ही नहीं कर रही है, ट्रेड ही नहीं कर रही, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कुछ कंट्रीज कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी है, हम कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो हम लोग अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारी अच्छी चीज़ें बाहर नहीं जाएगी, बाहर की अच्छी चीज़ें इंडिया में नहीं आएंगी, तो ये इसकी वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ट्राई किया कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करें, फुल एम्प्लॉयमेंट लेकर आए, इसकी वजह से ट्रेड बढ़ाए, रिलेशंस अच्छे रहे अमंग द कंट्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे पर्पस से WTO आया था। अब ये जो WTO है इसका स्ट्रक्चर कैसा है ये भी MCQ के लिए बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप लोगों के लिए अगेन एक बहुत अच्छी सी समरी मैंने आप लोगों के सामने रखी है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आया था GATT जिसमें सिर्फ गुड्स पर फोकस किया, जिसने सर्विसेज पर IP पर फोकस नहीं किया, एग्रीकल्चर तो वैसे ही इग्नोर था। फिर उसके बाद आया उरुग्वे राउंड, उरुग्वे राउंड के बारे में हमने ऑलरेडी ऊपर देखा 1986 से लेकर 1995 तक किस तरीके से जर्नी रहा उसका, 8 साल लगे उनको। उसके बाद आया उरुग्वे राउंड के एंड में आया था WTO जिसमें 164 कंट्रीज शामिल थी, 164 कंट्रीज में 117 कंट्रीज जो थी वो डेवलपिंग थी, बची हुई 24 जो थी वो निगोशिएटिंग मेंबरशिप पे थी, मतलब INI टाइप्स, और बाकी की बची हुई अदर्स कैटेगरी में डाल देना है, ठीक है। तो 164 कंट्रीज में कंट्रीज मेंबर कंट्रीज बनी WTO का एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था जनवरी 1995 में, जिसका हेडक्वार्टर आज भी जेनेवा में है। इसका जो स्ट्रक्चर है WTO का वो 3-tier सिस्टम से चलता है। अब 3-tier सिस्टम का क्या क्या मतलब है वो समझाती हूँ। सबसे पहले आएगा डायरेक्टर जनरल जो कि एक हेड होगा सर पे, जो कि सारी चीज़ों को देखेगा। ये उस 3-tier सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये सबसे टॉप लेवल, मतलब ये सबसे ऊपर है, ये पूरा माय बाप है WTO का, ठीक है, जो कि डायरेक्टर जनरल होगा। फिर उसके बाद 3-tier सिस्टम आएगा जिसमें सबसे पहले आएंगे मिनिस्ट्रीज जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होंगे, जो कि एटलीस्ट वंस मीट वंस इन एवरी 2 ईयर्स, 2 साल में एक बार तो एटलीस्ट उन मिनिस्ट्रीज ने मिलना है सबने साथ में आके, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा। उन मिनिस्ट्रीज के नीचे होंगे जनरल काउंसिल जो कि सेवरल टाइम्स मिलेंगे, जो कि ट्राई करेंगे ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के साथ अपनी मीटिंग्स रखें। ये 2 अलग बॉडी रहेंगी जो हिस्सा रहेंगी काउंसिल मीटिंग का, एंड वो ट्राई करेंगे कि क्या डिस्प्यूट तो नहीं हो रहा है ना, डिस्प्यूट को लेकर हमको कुछ ट्रेड को लेकर रिव्यू तो नहीं कर रहा है ना, और बहुत सारी चीज़ें। तो पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट आएगा जो कि होगा मिनिस्ट्रीज का, फिर आएगा जनरल काउंसिल जो कि काफ़ी बार मिलेंगे बट, और साथ में वो ट्राई करेंगे कि उनके साथ साथ कौन रहे, जनरल सेटलमेंट बॉडी भी रहे एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी भी रहे, एंड उसके बाद आएंगे अदर काउंसिल्स यानी कि कौन सा, गुड्स का काउंसिल अलग, सर्विसेज का अलग एंड IP का काउंसिल अलग। तो ये नीचे का लेवल मैनेजमेंट होगा, तो टॉप फिर मिडिल फिर लोअर, इस तरीके से 3-tier सिस्टम चलेगा WTO का। एंड इन सबको देखने वाला एक बंदा होगा जो कि होगा हेड ऑफ द एंटायर डिपार्टमेंट, दैट इज डायरेक्टर जनरल। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है किसका, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ये पूरा स्ट्रक्चर है WTO का, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ये सारा आप पढ़ लेना, आपको ये जो भी लिखा हुआ है वो पूरा इसी में मिल जाएगा, तो मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगी उस पर। अब मैं डायरेक्टली जंप करूंगी, ये पूरा स्ट्रक्चर के बारे में ही बात कर रहा है। तो WTO के बारे में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, पहले समझा कि RTA क्या था, फिर RTA के बाद हम लोग शिफ्ट हुए जो भी GATT पे है, GATT पे सिर्फ ट्रेड गुड्स पे फोकस किया, सर्विस IP एंड एग्रीकल्चर नहीं। फिर वहां से हम गए उरुग्वे राउंड पे, फिर उरुग्वे राउंड से हम लोग गए हैं WTO पे। WTO में हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, WTO का हमने स्ट्रक्चर देखा। अब WTO का ही
ठीक है, जो WTO है उसी का जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब वर्किंग स्टाइल है उसमें कुछ प्रिंसिपल्स है, ठीक है, कुछ चार पांच प्रिंसिपल्स है, वो पांच प्रिंसिपल्स के बारे में हमें समझना है। तो मेजर प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। पहला प्रिंसिपल क्या है? ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। वहां पे नंबरिंग नहीं हुआ है तो जैसे मैंने नंबर किया आप लोग भी कर लो, ठीक है। तो ट्रेड विदाउट जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसमें दो पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। पहला है मोस्ट फेवर्ड नेशन का और दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट का। ओके, तो ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस है, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन इज नथिंग बट वॉर कि भाई देखो जो भी जो लोग भी WTO के मेंबर कंट्रीज होंगे उस वो जो कंट्रीज रहेंगी वो यूजुअली उनको आप इक्वली ट्रीट करोगे उन सारी कंट्रीज को। 164 कंट्री अगर पार्ट हिस्सा है WTO का तो सारी कंट्रीज को आप इक्वली ट्रीट करोगे। तो सबसे पहला ही पॉइंट लिख दिया, ट्रीटिंग द अदर पीपल इक्वली अंडर द WTO एग्रीमेंट। कंट्रीज कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स, मतलब 164 कंट्रीज नॉर्मली कभी भी डिस्प्यूट नहीं कर सकती। हाउएवर ग्रांट कभी कभी दे सकता है, जैसे मतलब क्या रहे कि देखो ऐसा हो सकता है ना कि WTO मेंबर में कई बार अंडर डेवलप कंट्री अगर है, सपोज मान लो युगांडा है, अभी बेचारा युगांडा पहले डूबा हुआ है उसको, मतलब ऐसा नहीं ना कि हम उसको ये मतलब बहुत ही अगर बेचारे को और परेशान करें, तो ऐसा हो सकता है कि बाबा देखो डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, लेकिन टैरिफ सपोज मान लो युगांडा से सिर्फ 2% लिया जाएगा, वही बाकी कंट्रीज से जो डेवलप्ड है उनसे शायद 8% लिया जाए। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी, मतलब क्या एकदम जो अंडर डेवलप्ड है, अंडर प्रिविलेज है या बहुत कभी कई बार डेवलपिंग है तो हम आपको प्रिविलेजेस देंगे, बट ऐसा नहीं कि हम बहुत हर बाकी सबको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं मानने का। इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है उन्होंने तीन अग्रीमेंट्स इसलिए ट्रीट इक्वली के लिए तीन अग्रीमेंट्स लाए आर्टिकल 2-4 के हिसाब से भी। एक था गैट जो कि सिर्फ मतलब जिस जो सिर्फ गुड्स के साथ डील कर रहा था, अग्रीमेंट लाया था ये। उसके बाद एक लाया गैट्स जो कि सर्विसेज पर था, एक था ट्रिप्स जो कि था IPR पे। अभी इनके फुल फॉर्म्स यहाँ पर दिए हुए हैं इन अग्रीमेंट्स के। पहला है गैट, दैट इज जनरल ट्रेड अग्रीमेंट, जनरल ट्रेड ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। उसके बाद विच इज गवर्न इन ट्रेड ऑफ गुड्स। उसके बाद MFN इज द प्रायोरिटी इन जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड सर्विसेज, दैट इज गैट्स। एंड फिर प्रायोरिटी दिया ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑन इंटेलेक्चुअल राइट्स, दैट इज ट्रिप्स पे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4। तो इस तरीके से उन्होंने तीन मेन चीजों पर फोकस किया। एक्सेप्शंस अलाउड है, भले ही तुम सारे कंट्रीज को ट्रीट इक्वली करना चाहो लेकिन थोड़ा बहुत अलाउड है। जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया कि डेवलपिंग हो तो या अंडर डेवलप्ड हो तो थोड़ा सा प्रिविलेजेस दिया जाएगा, या कई बार ऐसा भी होगा कि कई कंट्रीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो 2 मिनट के लिए पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ WTO, ठीक है। तो अब अगर पाकिस्तान पार्ट है WTO का तो सबको पता है कि पाकिस्तान इंडिया पे किस तरीके से टेररिस्ट अटैक्स करता है, इवन USA पे भी। तो ऐसा पॉसिबल है कि USA उनको बोले कि भाई हमको तुम्हारे साथ ट्रेड करना ही नहीं है, हम तुमको लाइसेंस ही नहीं दे सकते, ऐसा हो सकता है। वाई? बिकॉज दैट कंट्री इज रिएक्टिंग इन दैट वे। अगर उस कंट्री के एक्शंस वैसे है तो यू मे नॉट ट्रीट देम इक्वली, दैट्स एब्सोल्युटली ओके एक्सेप्शंस में। बट ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारी कंट्री कैसी है, रिच है, पुअर है, वीक है, स्ट्रांग है, गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, नहीं है, एक्सेट्रा, इन सारी चीजों पर डिपेंड होगा। तो ये इतना ही याद रखो कि सबको इक्वली ट्रीट करो, ये तीन अग्रीमेंट्स पे हम फोकस करेंगे। और दूसरा आता है नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि भाई देखो जो भी बाहर से किसी कंट्री में अगर गुड्स भेजे जाते हैं, जैसे USA से इंडिया में अगर गुड्स आते हैं तो इंडिया के डोमेस्टिक गुड्स को जो वैल्यू दी जाती है, जो दर्जा दिया जाता है, वही जो एक्सपोर्ट किया होगा हम लोगों ने उन गुड्स को दर्जा दिया जाएगा। सो ट्रीटिंग द गुड्स, फॉरेन गुड्स हो या लोकल गुड्स हो, उन गुड्स को इक्वली ट्रीट करना। मोस्ट फेवर्ड नेशन में हमने क्या बोला कि जो भी मेंबर कंट्रीज है उन कंट्रीज को इक्वल ट्रीट करना। अब हम क्या बोल रहे हैं इधर नेशनल ट्रीटमेंट में, जो गुड्स हमने लाए हैं इंडिया में उन गुड्स को बराबर का दर्जा देना। डोमेस्टिक को जितना इज्जत देते हो तो उतना ही इज्जत तुम्हारे फॉरेन गुड्स को भी होना चाहिए। तो इनको लोकली ट्रीट जितना जिस भी तरीके से ट्रीट किया जाता है जिन गुड्स को, वैसे ही आप ट्रीट करना पड़ेगा। बट ये ध्यान रखना, ये जो भी नेशनल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अगेन तीन अग्रीमेंट्स पर फोकस किया जाएगा, वही गैट, गैट्स एंड ट्रिप्स वाले अग्रीमेंट, वो प्रिंसिपल सेम रहेंगे। ये ध्यान रखना लेकिन दैट नेशनल ट्रीटमेंट ओनली अप्लाइज वंस अ प्रोडक्ट सर्विस IP हैज एंटर्ड द मार्केट, देयरफॉर चार्जिंग द कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स इज नॉट अ वायलेशन ऑफ ट्रीटमेंट
ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट इवन इफ लोकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स आर नॉट चार्ज्ड विद द इक्विवेलेंट टैक्स. मतलब सपोज मान लो अगर एक्सपोर्ट किया जाएगा तो अगर हम लोग मे बी एक्सपोर्ट ड्यूटी भी भरनी पड़ती है ना, तो सपोज 2 मिनट के लिए अज्यूम करो सिर्फ हमने 100% ड्यूटी चार्ज करी है. ओके, हम लोगों ने कितने चार्ज करी ड्यूटी, 100% ड्यूटी चार्ज करी है, और हम लोग हमारा जो डोमेस्टिक जो गुड्स होते हैं उनको 10% का चार्ज करते हैं. तो तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई इनको तुम 10% कर रहे हो, हमारे गुड्स को तुम 100% कर रहे हो, तो तुमने हमको बराबर का दर्जा नहीं दिया, नेशनल ट्रीटमेंट का वायलेशन किया. नहीं, तुमको जब तक तुम हमारे इंडिया का बॉर्डर क्रॉस नहीं करते तब डिस्क्रिमिनेशन चलेगा. लेकिन जैसे बॉर्डर क्रॉस कर गए तो अगर बॉर्डर क्रॉस कर गए इंडिया की, तो जितना दर्जा इंडियन गुड्स को है उतना ही दर्जा आपके फॉरेन, आप जो भी एक्सपोर्ट करोगे, जो भी फॉरेन गुड्स होंगे उनको दिया जाएगा. यही उनको समझाना है. तो ये दो पॉइंट्स ध्यान में रखना हमेशा, मोस्ट फेवर्ड नेशन एंड नेशनल ट्रीटमेंट कहाँ पे, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन में. उसके बाद जो अगला प्रिंसिपल है, जो कि सेकेंड प्रिंसिपल है, फ्री ट्रेड का. फ्री ट्रेड मतलब क्या? ग्रेजुअल थ्रू द निगोसिएशन. मतलब क्या? ट्राई करो कि जितना कम ट्रेड बैरियर्स हो उतना ज्यादा अच्छा है. तो लोअरिंग द ट्रेड बैरियर्स, द ट्रेड बैरियर्स इंक्लूड्स द कस्टम ड्यूटीज और टेरिफ्स एंड मेजर सच इम्पोर्ट बैन्स और कोटास. कोटास मतलब क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटीज सिलेक्टिवली एंड रेड टैप, ये भी समझता होगा, एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज हैव ऑल्सो बीन डिस्कस. सो बेसिकली प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन पे. मतलब हम लोग क्या क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम ट्राई करेंगे लोअर ट्रेड बैरियर्स. दूसरा, जब एक्सचेंज होता है, सपोज मान लो डॉलर, सिंगापुर डॉलर और इंडियन रुपीज का एक्सचेंज है, तो वहां पर थोड़े पॉलिसीज सही रहे, स्ट्रिक्ट ना रहे, स्मूथ रहे, ईजी रहे, तो उन सबका डिस्कशन सही तरीके से हो. तीसरा, जो भी टेरिफ चार्ज किया जाएगा या जो भी कोटास चार्ज किया जाता है, क्वांटिटी पे जो रेस्ट्रिक्शन है उस पर ध्यान रखा जाएगा. रेड टैप मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है या जो व्हाट यू कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है उसको ज्यादा झंझट वाला काम मत बनाओ. ये सारी चीजें जिसकी वजह से ट्रेड जो है वो आसानी से. तो ये एक ऑब्जेक्टिव था, ये एक प्रिंसिपल था एक्चुअली. उसके बाद प्रेडिक्टेबिलिटी थ्रू बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी अग्रीमेंट. ये बड़ा कमाल का पॉइंट है, ध्यान से समझना. मतलब क्या एक्चुअल में उनको क्या बोलना है कि देखो, प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि भाई मेरा पैसा तो आएगा ही आएगा. ठीक है, मेरा पैसा तो आएगा ही आएगा. एंड अलोंग विद दैट, समटाइम्स प्रॉमिसिंग Not to raise a trade barrier is also important. मतलब क्या कि भाई देखो हम टैरिफ कम चार्ज करेंगे, ये सिर्फ बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इस टैरिफ से ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे ये भी बताना इंपॉर्टेंट है. मतलब सामने वाले को पता होना चाहिए भाई ये कंट्री टैरिफ बढ़ा रही ठीक है, लेकिन इस लेवल के ऊपर वो टैरिफ कभी नहीं बढ़ाएगी, ये पता होना चाहिए, इस बात का प्रेडिक्शन होना चाहिए. और दूसरा क्या कि भाई इससे तुम कई बार कम टैरिफ चार्ज करो, तो लोअरिंग द टैरिफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड नॉट इंक्रीजिंग द टैरिफ बियॉन्ड दैट लिमिट, टेलिंग दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब क्या, तुम प्रॉमिस करो एज अ कंट्री कि तुम इसके ऊपर तो ट्रेड बैरियर्स नहीं बढ़ाओगे, टैरिफ रेट नहीं बढ़ाओगे. एज लोअरिंग वन मतलब जितना कम तुम कम करोगे ये बताना इंपॉर्टेंट है, उतना इससे ऊपर नहीं बढ़ाओगे ये बताना भी इंपॉर्टेंट है, इस बात का प्रॉमिस भी दो. प्रॉमिस विल गिव द बिजनेस पर्सन अ क्लियर व्यू कि भाई उनको फ्यूचर अपॉर्चुनिटी कौन सी जगह पे कितनी है, क्या है और करना है या नहीं करना है उनको. With the stability, predictability and investment is encouraged, jobs are created and फिर उसकी वजह से काफ़ी सारा choices हो सकता है, prices में problem नहीं होगी, benefits मिलेंगे सबको. इसीलिए the WTO countries agree to open their markets for the goods and services they bind on their commitments. For example, the goods these bindings amount to ceiling on custom tariff rate. Sometimes the country's tax imports at a rate lower than the bound rate. And developed होगी तो उल्टा होता है. मतलब basically क्या समझाना है? अगर developing country है, ठीक है? अगर developing country है, suppose मान लो actual tariff rate है 20% का, ठीक है? तो actual tariff rate जो 20% का है वो तुम्हारा कम रहेगा एज कम्पेयर टू तुम बाउंड रेट. मतलब तुम बाउंड हो, तुमको 30% टैक्स देना ही पड़ेगा, लेकिन बिकॉज तुम डेवलपिंग हो तो हम तुमको कम चार्ज कर सकते हैं. तो डेवलपिंग के केस में क्या होगा, जो एक्चुअल रेट होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू बाउंड रेट्स. बट वही अगर तुम डेवलप नेशन होगे
तो एक्चुअल रेट्स ज्यादा हो सकते हैं एज कम्पेयर टू बाउंड रेट. मतलब यहाँ पे 30% जो है वो एक्चुअल, मतलब जो 30% नहीं 40% है जो कि तुम्हारा एक्चुअल रेट होगा जबकि बाउंड रेट तुम्हारा 30 था. और इधर क्या होगा, 20% ही तुमको चार्ज करेंगे जबकि बाउंड रेट 30% का था. तो इट इज पॉसिबल अगर डेवलपिंग होगा तो कम होगा एक्चुअल में, एंड अगर डेवलप हो गए तो एक्चुअल ज्यादा आ सकता है बाउंड रेट से. तो ये ध्यान रखना, ये रेट्स चार्ज इस तरीके से हो सकते हैं. अ कंट्री कैन चेंज इट्स बाइंडिंग बट ओनली आफ्टर द निगोसिएशन. मतलब क्या, ये जो 30% है ये बाइंड रेट है, ये अगर चेंज करना है तो अमंग द कंट्री आप डिस्कस कर लो. म्यूचुअली अगर आप अग्री हो तो यू मे चेंज इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो वंस द अचीव वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ उरुग्वे राउंड इज द मल्टीलैटरल ट्रेड विच टॉक्स अबाउट द इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ट्रेड अंडर द बाइंडिंग कमिटमेंट अगेन इन द एग्रीकल्चर. 100% प्रोडक्ट्स नाउ हैव बाउंड टेरिफ. मतलब इधर बाउंड टेरिफ का मतलब है भाई इस टेरिफ के ऊपर कोई चार्ज नहीं करेगा, दैट इज बाउंड टेरिफ. तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी हर गुड्स पर पता है कि भाई इसके ऊपर नहीं जाने का, बाकी सारे गुड्स में वेरी हो सकता है, एग्रीकल्चर में नहीं होता. इस और ट्राई करना कि हम लोग क्या करें, रेड टैप को डिस्करेज करें. सेम वही बात वापस, रेड टैप डिस्करेज करो, टैरिफ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखो और कोटास पे रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, जितना हो सकता है उतना लिबरलाइज करो सिस्टम को. वही सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिखी. इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन. एंड लास्ट इज प्रमोटिंग फेयर कॉम्पिटिशन. मतलब अनहेल्दी कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए. तो दिस इज ई पॉइंट. तो इस तरीके से पांच मेजर प्रिंसिपल थे, ई नहीं डी पॉइंट है. तो इस तरीके से चार मेजर प्रिंसिपल्स जो थे वो आप लोगों ने समझे. एंड आखिरी पॉइंट है ई पॉइंट. बिफोर आई गो अहेड विद द ई पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट जो कि डी में इंपॉर्टेंट है, दैट मेनी ऑफ द कंट्रीज इन WTO एम्स टू सपोर्ट द फेयर कॉम्पिटिशन. जब फेयर कॉम्पिटिशन की बात आती है तो एग्रीकल्चर हो, IP हो, सर्विस हो, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. हम लोगों ने कई बार प्लूरीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट किए हैं इंस्टेड ऑफ मल्टीलैटरल. अब वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लूरीलैटरल एंड मल्टीलैटरल वो समझना पड़ेगा. प्लूरीलैटरल एंड मल्टीलैटरल का मतलब होता है, मल्टीलैटरल मतलब क्या कि मल्टीपल कंट्रीज के बीच में आप लोगों ने किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, नीचे भी एक बार लिखा देखो, इधर लिखा हुआ है. प्लूरीलैटरल एंड मल्टीलैटरल का फर्क क्या है? मल्टीलैटरल निगोसिएशंस आर दोज निगोसिएशंस इन्वॉल्विंग द एंटायर WTO कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, बट द प्लूरीलैटरल अग्रीमेंट इन्वॉल्व द सेवरल कंट्रीज अमंग द WTO. मतलब क्या, 164 कंट्रीज अगर अग्रीमेंट कर रही है तो आप बोलो मल्टीलैटरल है. लेकिन प्लूरीलैटरल मतलब क्या, आउट ऑफ 164 सिर्फ और सिर्फ 20 कंट्रीज है जो अग्रीमेंट कर रही है, तो बोलो प्लूरीलैटरल. ठीक है, तो फेयर कंपटीशन के लिए आप चाहो तो प्लूरीलैटरल अग्रीमेंट भी कर सकते हो, सारी कंट्रीज उसमें नहीं आएंगी, ये उन्होंने समझाया है. प्लूरीलैटरल अग्रीमेंट भी आप चाहो तो करो, लेकिन ध्यान रखो कि फेयर कॉम्पिटिशन करो. एंड आखिरी पॉइंट है एनकरेजिंग द डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. मतलब क्या, जो लीस्ट डेवलप कंट्री है देखो उनको टाइम लगता है ट्रांजिशन के लिए, है ना. तो तुमने क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए एंड मोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए. तो ट्राई करो, ओवर द 3/4 ऑफ WTO मेंबर्स डेवलपिंग कंट्रीज टेक्स द टाइम फॉर ट्रांजिशन. उरुग्वे राउंड ओवर द 60 ऑफ दीज कंट्रीज इंप्लीमेंटेड दिस ट्रेड निगोसिएशन ऑटोनॉमसली. मतलब बिना बताए ही उन्होंने ऑटोनॉमसली खुद से ही बहुत सारी कंट्रीज अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि कई सारी कंट्रीज ना करें. तो ये जो डेवलपिंग था, ये डेवलपिंग, हाँ ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट उरुग्वे राउंड में जो भी चीज़ें हुई वो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन पर ज़्यादा एक्टिवली वो लोग इन्वॉल्व थे इन सारी चीज़ों में, एंड इसीलिए उरुग्वे राउंड निगोसिएशन दैन द प्रीवियस राउंड. एंड आर दे इन सो फार मोर इन द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा ऑल्सो. दोहा डेवलपमेंट आएगा आगे. उरुग्वे राउंड हो या दोहा राउंड हो, डेवलपिंग कंट्रीज ने ज्यादा हमेशा इन्वॉल्वमेंट दिखाया है. ये MCQ के लिए आ सकता है, ये ध्यान रखना. दोहा राउंड हो या उरुग्वे राउंड हो, डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा एक्टिव हमेशा रही है, ये आ सकता है MCQ के लिए. बाकी तो ठीक ठाक है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो छोड़ देना. अगला WTO एग्रीमेंट्स. ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये रूल बेस्ड एग्रीमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो इनकी कुछ लिस्ट दी है, अगेन नॉट एट ऑल एट सच रिलेवेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव. बस एक बार देख के जाना कि कौन कौन से अग्रीमेंट थे. जैसे पहला एग्रीकल्चर को लेकर था, फिर SPS को लेकर था, फिर जो क्लोदिंग टेक्सटाइल है उसको लेकर, MFA को लेकर था, एंड जो प्रिवलेंट था ऑलमोस्ट सिंस 1974 जिसमें ATC प्रोवाइड्स
The textile trade should be deregulated and gradually integrated into GATT disciplines over the 10 years transition period. 10 साल का transition period लगा उनको ये बोलने के लिए. उसके बाद technical barriers to trade को हटाने को लेकर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पे बात करी. फिर TRIM पर बात करी कि investment जो बाहर से इंडिया में आ रही है, इंडिया से बाहर जा रही है, और even इन ऑल द कंट्रीज वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसको लेकर डिस्कशंस हुए. उसके बाद जो एंटी डंपिंग अग्रीमेंट था, एंटी डंपिंग अग्रीमेंट का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, तो अगर चाइना इंडिया में, तुमको पता है कई सारी गुड्स को डंप करने की कोशिश करता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक या जो भी मोबाइल फोन्स हैं उनको, तो जो डंपिंग होता है, तो डंपिंग के अगेंस्ट जो ड्यूटी चार्ज करी जाती है उसको एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं. तो उसको लेकर जिससे डंपिंग ना हो, तो एंटी डंपिंग एग्रीमेंट्स हुए. उसके अलावा कस्टम वैल्यूएशन अग्रीमेंट्स हुए, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन अग्रीमेंट हुए. उसके बाद जो भी गुड्स है उनको ओरिजिन प्रोवाइड हार्मोनाइजेशन ऑफ रूल्स, मतलब कि भाई देखो कई बार क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री गुड्स लेती है फिर वो तीसरी कंट्री को बेचती है, तो आपको पता होना चाहिए आपके पास जो गुड्स आया है उसका ओरिजिन कंट्री का कौन सा है एग्जैक्टली, वरना पता चला पाकिस्तान के गुड्स हमारे इंडिया में आ गए, तो ऐसा हो सकता है ना, पाकिस्तान चाइना को बेचे, चाइना इंडिया को बेचे, तो ऐसा ना हो, इसीलिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ओरिजिन जो है वो पता होना चाहिए. तो वो लिखने पर, वो आपको प्रोडक्ट पे लिखना पड़ेगा. उस बात को लेकर काफ़ी सारी बहसबाजी हुई. उसके बाद इम्पोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स को लेकर उन्होंने अग्रीमेंट्स करे या व्हाट यू कैन से फोकस किया. उसके बाद सब्सिडीज या काउंटरवेलिंग ड्यूटीज को लेकर, सेफगार्ड क्लियरली डिसिप्लिन को लेकर, उसके बाद गैट्स को लेकर ध्यान में रखा गया, ट्रिप्स को लेकर, बिकॉज गैट में ये मिसिंग था सर्विस एंड आईपी, तो उसको लेकर उन्होंने काफ़ी फोकस किया. ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म के लिए उन्होंने ये बॉडी लाई, ट्रेड रिव्यू बॉडी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड इस तरीके से उन्होंने कुछ अग्रीमेंट्स करे. ठीक है, ये जो भी लिस्ट है 16 नंबर्स का, वो सिर्फ देख लेना कि क्या क्या सिर्फ है, जैसे मैंने हाईलाइट करके दिया है, बाकी ज़्यादा हर एक पॉइंट को रट्टा मारते मत बैठना, पागल हो जाओगे और रिलेवेंट भी नहीं है. तो आपकी मेहनत है, आप डिसाइड करो आपको करनी है नहीं करनी. All the above mentioned agreements entered by the members are not static and they are renegotiated from time to time. Obviously, एक बार अगर agreement कर दिया तो पूरी जिंदगी वही चलेगा, ऐसा नहीं है, ये कोई शादी का रिश्ता नहीं है जो हम निभा रहे हैं. यहाँ पे time to time आप renegotiation करोगे, जैसे भी जरूरत होगी वैसे. So many agreements were renegotiated from for अंडर द डोहा अजेंडा, जो कि हम लोग इधर देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉन्च्ड बाय WTO ministers इन डोहा कतार इन November 2001, हाईली इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पर्सपेक्टिव. तो जितने भी अग्रीमेंट्स आपने देखे ऊपर 16, वो रीनगोशिएट करने के लिए हमने एक डोहा राउंड रखा था जो कि हुआ था कतार में November 2001 में. तो ये जो राउंड हुए थे इसमें क्या क्या देखा गया, देखो, द दोहा राउंड वॉज फॉर्मली इम्पॉर्टेंट, द दोहा राउंड फॉर्मली द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा विच इज द 9th राउंड सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड at the WTO's 4th ministerial conference in Doha, Qatar, in November 2001. The major modification in the international trading system में लिया और 20 areas almost cover करे ये सारे जो भी areas थे. And the most controversial topic was again agriculture. Agriculture हर जगह पे problematic topic ही है. And उसके बाद ये दोहा राउंड के बाद अब आया G20 summit, जिसका again India is a part. ये जो G20 समिट होता है इसके लिए इंडिया होस्ट था फ्रॉम द 1st ऑफ यूजुअली डिसंबर टू डिसंबर चलते हैं, द 1st of December 2022 टू 30 November 2023 तब इंडिया होस्ट था, इसलिए G20 समिट इंडिया में हुआ था उस वक्त. तो ये जो ये G20 समिट हुआ था जहाँ पे 20 कंट्रीज ने आकर साथ में कलेक्टिवली उन्होंने कुछ मतलब ट्रेड निगोसिएशंस पर डिस्कशंस किए या आगे फ्री ट्रेड कैसे हो उस पर बात करी. तो G20 इकोनॉमीज मस्ट बिल्ड द कलेक्टिवली फ्रॉम द 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एंड डेमोन्स्ट्रेट द लीडरशिप टू कीप द मार्केट नीडेड. एंड ये किसने बताया था, डायरेक्टर जनरल, इनका नाम है नुगोजी ओकिनजो इवे, थैंकफुली आपको याद नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत देख लेना, एग्जाम में आ सकता है ये नाम, तो अजीब सा जो नाम लगेगा वो लिख देना. हु विल बी अटेंडिंग द G20 लीडर समिट इन बाली इंडोनेशिया ऑन 15th एंड 16th ऑफ नवंबर. तो ये आज का नहीं है बट हाँ ठीक है, तब का है, पुराना.
और इसमें क्या क्या डिस्कशंस होते थे, अगेन वही कि जो कोविड आया था उसको लेकर, या यूक्रेन वॉर हुआ था जो सबसे रिसेंट टू बहुत बड़े इश्यूज हुए, यूक्रेन वॉर एंड कोविड, उसको लेकर चीज़ें हुई, फूड क्राइसिस को लेकर डिस्कशंस हुए, या फिर जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी, जो जैसे मिड ऑफ द अक्टूबर 2022 द WTO मेंबर स्टिल हैड 52 एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन फूड, तो जो फूड क्राइसिस आ रहे थे उसको लेकर जो रेस्ट्रिक्शंस हटाने थे उसको लेकर बात हुई, और उसके बाद ये बहुत सारा डेटा दिया है, ठीक है? तो ये डेटा है, यू रीड इट बाय योरसेल्फ, आई वोंट रेकमेंड टू रिमेंबर दिस डेटा एट ऑल एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आल्सो, बिकॉज ये आई डोंट एक्सपेक्ट कि इंस्टीट्यूट इस पर क्वेश्चन पूछेगा, और अगर पूछता है तो टेक अ रिस्क ऑफ 1 मार्क कंप्लीटली, तो ये याद करने में जितनी मेहनत डालोगे उसमें तुम्हारे 10 और कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, तो ये भूल जाना, बस ये वेरी इंपॉर्टेंट है कौन सी कंट्रीज है जो G20 के मेंबर्स हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन लाइक फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रिपब्लिक फेडरेशन, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके एंड यूएस, ये कंपलसरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि WTO ने मॉनिटर किया था, WTO सेक्रेटरिएट सिंस 2009 ने ये G20 समिट के मेंबर्स को पूरा मतलब ध्यान रखा था, सब कुछ सही से चल रहा है नहीं चल रहा है इस बात पर, और रिपोर्ट बनाया था, तो ये कंट्रीज के नाम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पर्सपेक्टिव, ये याद कर लेना, बाकी आई डोंट थिंक सो कि तुमको कहीं भी और भी प्रॉब्लम आना चाहिए, मैंने बता दिया क्या क्या MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या नहीं, इतना ही, इसी तरीके से प्रिपेयर करोगे तो फायदे में रहोगे, वरना आपको एक्स्ट्रा का नहीं उधर माथापच्ची करना है तो वो आपका चॉइस है, मैं बिल्कुल उस पर परेशान आपको नहीं करूंगी, आपको करना है आप, यू कैन गो अहेड विद दैट, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय, लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशन कितना सिंप्लीफाइड वे में बताया हुआ कितना सही लग रहा है, एंड टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।